इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले ग्लूकोरिल M1 टेबलेट्स के बारे में। ग्लूकोरिल M1 टेबलेट्स का क्या यूज है, कब इसको यूज करते हैं, कितने दिन यूज करते हैं, यूज करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, यूज करने से आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन अलग है और किस प्रकार काम करता है, इसका डोज डोसेंस कितना होना चाहिए, इसका डोज आप किसी भी मिस कर जाए तो अगले दिन इसका डोज किस तरह से ले सकते हैं, वेट टेबलेट्स का इस्तेमाल स्किन को नहीं करना चाहिए, वेट टेबलेट्स का इस्तेमाल करते समय क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए। तो ग्लूकोरिल M1 टेबलेट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट की या फिर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं ग्लूकोरिल M1 टेबलेट, जो कि हमारे पास 15 गोली का स्ट्रिप्स है, जिसकी MRP की बात की तो इसकी MRP 159 यानी कि 159 रुपये करीब इसकी MRP है। ग्लूकोरिल M1 टेबलेट्स को एलकम लेबोरेटरी लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। ग्लूकोरिल M1 टेबलेट्स के अंदर इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स या कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर कंपोजिशन है मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोरेट्स 500 mg प्लस ग्लिमिप्रेट्स 1 mg इसके अंदर डाले गए हैं। ग्लूकोरिल M1 टेबलेट्स का यूज़ के बारे में बात की तो इसका इस्तेमाल टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ग्लूकोरिल M1 टेबलेट्स का इस्तेमाल वयस्कों में टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये डायबिटीज के लोगों में ब्लड शुगर के स्तर को कंट्रोल करने में मदद करता है। ग्लूकोरिल M1 टेबलेट्स का डोज और डोसेंस की बात करें तो इसका डोज और डोसेंस आपकी एज और वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है और वेट कितना है। इसका डोज और डोसेंस अपने डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। अगर आप इसको कंटिन्यू बेस पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं यानी कि अपने डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल नहीं रही, कंटिन्यू बेस पर इसका सेवन किए जा रहे हैं तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। यानी कि टेबलेट्स का अगर आप ओवरडोज लेते हैं तो इसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। साइड इफेक्ट में आपको हो सकता है आपको हेडेक होना, मिचली आना, डायरिया, दस्त होना या पेट फूलना या गैस बनना, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ग्लूकोरिल M1 टेबलेट्स का इस्तेमाल से अपने डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। ग्लूकोरिल M1 टेबलेट्स किस प्रकार काम करता है यानी कि हाउ टू वर्क्स ग्लूकोरिल M1 टेबलेट्स। ग्लूकोरिल M1 टेबलेट्स के अंदर दो दवाई रहती है यानी कि मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड्स और ग्लिमिप्रेट्स। दोनों ही दवाई एंटी डायबिटिक्स दवाई है, ग्लिमिप्रेट्स और मेटफॉर्मिन। ग्लिमिप्रेट्स एक सल्पोनुलिया है जो अग्न्याशय से निकलने वाले इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाकर ब्लड ग्लूकोज को कम करने का काम करता है। मेटफॉर्मिन एक बिगुनेट है जो लीवर ग्लूकोज उत्पादन को कम करके काम करता है और हाथों से ग्लूकोज अवशोषण में देरी करता है और इंसुलिन के प्रति बॉडी की संवेदनशीलता को बढ़ाती है। ग्लूकोरिल M1 टेबलेट्स को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन से फैमिली डॉक्टर या डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करिए, बाद में इस टेबलेट्स का इस्तेमाल करिए। अपने मन से ग्लूकोरिल M1 टेबलेट्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करिए। तो ग्लूकोरिल M1 टेबलेट्स के बारे में कुछ भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन बताए, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में ईमेल आई डी है वहाँ पर बताए। ग्लूकोरिल M1 टेबलेट्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस और नॉलेज के लिए था। कोई भी टेबलेट्स या एंटी डायबिटीज टेबलेट्स का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।